पुढची बातमी दिल्लीतली आहे. दिल्लीतल्या शाहीन बाग परिसरात कारवाई होताना दिसती आहे. अनधिकृत बांधकामांवर ही कारवाई झालेली आहे. या कारवाई दरम्यान नागरिकांकडून प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला गेला. मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला होता. प्रशासनाच्या या कारवाईला विरोध करणाऱ्या काही महिलांना ताब्यात देखील घेतलं गेल्याचं समजत आहे. शाइन बाग से अब ये पूरी कार्रवाई शुरू हो गई है. जो विरोध सामने आया उसे काबू में करने की कोशिश पुलिस फोर्स की तरफ से की गई है. लेकिन देखिए, कुछ लोगों की बहस इस दौरान हमसे हो रही थी क्योंकि वो इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं. लेकिन हकीकत यही है क्योंकि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम यही कहेंगे कि जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई को इस वक्त देख रहा है, धार्मिक चश्मे को बिल्कुल कोने में रख लीजिए. सिर्फ शाहीन बाग का नाम नहीं है बल्कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो इस फहरिस्त में हैं. अगर अतिक्रमण हुआ है तो वो अतिक्रमण हटाया जाएगा. ये लोगों की भलाई के लिए है. हाँ, जब भी अतिक्रमण होता है तो जरूर कुछ ना कुछ टूटता है, जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होता है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता. लेकिन नियम कई बार भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं और इसके पीछे की वजह यह होती है क्योंकि जब अतिक्रमण का उल्लंघन किया जाता है, अपनी मर्यादा, अपने हद का उल्लंघन किया जाता है, तो एक ना एक दिन वो नजर में आता है और जब नजर में आता है तो वो फहरिस्त में शामिल हो जाता है. मेरे पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे. सूरज, सूरज दिखाइए. ये वो पिलर है जो मेरे बाकी सहयोगी भी आपको दिखा रहे हैं. दीपक भी दिखा रहे हैं, चंदन भी दिखा रहे हैं, बुलडोजर भी यहां पर मौजूद है. एक एक करके पिलर यहां पर उतारा गया है. यानी कि इस नींव को इस हद तक अभी फिलहाल हटा दिया गया है कि ये अतिक्रमण के दायरे में है और अब धीरे धीरे करके ये अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी. 5 मई को ये तस्वीर यहां पर नजर आ सकती थी. इस चिल्लाती गर्मी के बीच में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है जो बुलडोजर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं. वो भी एक्शन मोड पर है क्योंकि कभी भी उनको ये आदेश आ सकता है कि उनको बुलडोजर एक्शन में यहां पर लाना है. लेकिन जो पहलू हम सभी ग्राउंड जीरो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि किसी भी कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से, मजहब के चश्मे से ना देखा जाए. किस तरह से इस वक्त शाहीन बाग सड़क पर उतरा हुआ है, ट्रैफिक को लेकर व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, या फिर यूं कहिए कि इस तरफ की ट्रैफिक पर तो पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया है. क्योंकि यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रही है तस्वीर, माहौल शांत है, माहौल बिल्कुल शांत है. हालांकि गुस्सा, नाराजगी, सवाल जो है यहाँ पर लोगों के जहन में जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये अतिक्रमण जो किया जा रहा है उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, क्या धार्मिक चश्मे से इसे देखने की कोशिश की जा रही है. हालांकि कहा गया है कि अतिक्रमण इसलिए ही किया गया है क्योंकि अतिक्रमण के दायरे में यहाँ पर आता है. अभियान के तहत में जो मैप यहाँ पर जारी किया गया था साउथ एनसीडी की तरफ से, वो इलाका वो ये मौजूद था. उस इलाके में मौजूद जो दुकानें थी, जो एरिया था, वो यहाँ पर बड़ा हुआ था. इसलिए तो आप देखिए किस तरह से सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. पूरा हुजूम है और इन्हीं सभी से घिरा हुआ, इन्हीं लोगों से घिरा हुआ, पुलिस फोर्स से घिरा हुआ ये बुलडोजर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है.